हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं? वेलकम टू डोंट डॉक्टर वन सेकंड। तो आज मैं लाया आपके लिए क्वेश्चन आंसर सेशन, जो आपका फेवरेट सेक्शन है, जहां पर आपके सारे कमेंट्स, क्वेश्चंस, क्वेरीज मैं लेता हूं और सबका आंसर करता हूं नाम के साथ। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और अगर आप नए इस चैनल पर, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम देते हैं ड्रोन रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन, रूल्स, रेगुलेशन, एवरीथिंग अबाउट ड्रोन। तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए सबसे पहले, और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन आंसर सेशन। तो सबसे पहले मिस्टर चितारी कर लेते हैं क्वेश्चन। ये पिछली बार रह गया था क्वेश्चन, ये कमेंट था, थैंक्स लॉट डॉक्टर फॉर रिपीटिंग रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर, आई हैव रजिस्टर्ड माई सेल्फ लाइक यू इन रजिस्टर स्काई प्लेटफॉर्म, व्हाट इज द नेक्स्ट व्हेन द प्लेटफॉर्म इज रेडी। द प्लेटफॉर्म विल बी रेडी सून आफ्टर एवरीथिंग गोज राइट। न्यू कंपनीज शुरू होने वाली हैं, तो फ्रेंड्स नई कंपनीज जो मैंने बताया था आपको रजिस्टर हो रही है, और कंपनीज भी रजिस्टर होने वाली हैं, और DGI के बारे में मैंने आपको बताया था कि थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन वो भी रजिस्टर हो जाएगी, तब नेक्स्ट प्रोसेस शुरू हो जाएगी। बने रहिए वीडियो के साथ, तो आपको पता लगेगा चैनल के साथ कि कब आपको ड्रोन को रजिस्ट्रेशन करवाना है और कब वहाँ पर शुरू हो गया। नेक्स्ट इज वेयर आई कैन आई टेक ड्रोन कोर्स, व्हाट इज द क्वालिफिकेशन फॉर दैट कोर्स, आई एम फ्रॉम बेंगलोर, प्लीज रिप्लाई क्लियरली। ये इन्होंने मिस्टर मोहम्मद अजीद पूछ रहे हैं, थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। Well, from where you can take training, I have made a video already, पहले बना चुका हूँ, you can search, और उसमें मैंने पूरे institutes जो recommended हैं by DGCA उनकी list दी थी, and if you don't want to go to video, you can search on the DGCA site, वहाँ पर भी available है, तो वहाँ से आपको course करना है। and qualification is just you should be +2 with English, and if you have physics and math then good, but it's not essential, but English +2 and 18 years of age, ye eligibility hai for the qualification of drone pilot. DJI Spark Fly More combo price pooch rahe hain, Quaxer Lexian. Dekhiye ab ye drones ka price variable hota hai, is pe I cannot comment or ask. You have to go to your local dealer, you can, and if you want to wait for the exact official price then you have to wait, kyunki abhi legal process chalu hai aur jab puri ho gayi tab aapko pata lag jayega. Tomna Swami keh rahe hain, how did you submit the form without manufacturer detail while filling up the following form as this Skype platform is still pending. Mr. Swami, aapko confusion ho gaya hai, main isme batata tha ki this is how you register on this Skype platform, iska matlab ye hai ki aapko kaise register karna hai apne aap ko. तो सबके लिए फिर से बता रहा हूँ, डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर अभी खुद की यानी इंडिविजुअल्स की रजिस्ट्रेशन हो रही है, जैसे मैं हूँ, मेरे पास ड्रोन है और मैं अपना ड्रोन रजिस्टर करना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे खुद को रजिस्टर करना है उस पर, तो उस पर मैंने वीडियो बनाया था, ड्रोन की रजिस्ट्रेशन अभी शुरू नहीं हुई। फीमी एक्सेट सीमी कैन आई गॉट इन इंडिया प्लीज द US हैकर। अभी दूसरी ड्रोन कंपनीज जब आएंगी तो लिस्ट होंगी तो आपको पता लगेगा, अभी फिलहाल नहीं ले पाएंगे। नेक्स्ट इज सनिध्या कक्कड़, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ पतंग ड्रोन, कैन वी बाय इट। पतंग ड्रोन इज ए कमर्शियल ड्रोन एंड एज इंडिविजुअल यू कैनॉट बाय, इफ यू हैव सम इंडस्ट्री और सम इंडस्ट्री एप्लीकेशन देन यू ऑन द इंडस्ट्री बेसिस यू कैन अप्लाई फॉर इट टू परचेज इट, और प्राइस अभी रिवील हुआ नहीं है तो मैं उस पर कमेंट कर नहीं सकता। आगे हैं जी चैल राजा सिंह, ऐसी वीडियो बनाते रहिए, मैं आपके सारे वीडियो देखता हूँ, मुझे भी जानकारी मिल जाती है, थैंक यू वेरी मच मिस्टर सिंह। इसीलिए मैं वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो नॉलेज मुझे है वो मैं शेयर कर सकूँ इस माध्यम से, इस कैमरे के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से, तो प्लीज़ थैंक यू वेरी मच। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं मेरे दूसरे टॉपिक्स पे, हेल्थ के वीडियोज़ जानना चाहते हैं, क्योंकि एज आई एम डॉक्टर आई ऑल्सो मेक हेल्थ वीडियोज़, तो मेरा चैनल का नाम है हेल्थ दोस्त, वहाँ पर जाइए। और मैं अमेजिंग डील्स भी लेके आता हूँ अलग चैनल पर जिसका नाम है डील दोस्त, जिस पर मैं अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स के बारे में अनबॉक्सिंग करता हूँ वहाँ पर, तो आप उन पर इंटरेस्टेड हैं चैनल्स में डील दोस्त और हेल्थ दोस्त, तो वो भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। हर्ष वगैरह, एनी माइक्रो ड्रोन इज आस्किंग, कोई माइक्रो ड्रोन रजिस्टर लिस्ट हुआ है? अभी फिलहाल नहीं हुआ सर। नेक्स्ट इज चैल साहब कह रहे हैं, मैंने 20,000 का ब्लैक व्यू मैक्स का मोबाइल मंगवाया है, ही इज़ आस्किंग फॉर कस्टम ड्यूटी लगेगी। जैसे आप कोई भी प्रोडक्ट ऐसे मंगवाते हैं, इंपोर्ट करते हैं, तो कस्टम ड्यूटी बनती लगेगी ही लगेगी, क्योंकि ये रूल्स बने हुए हैं। ड्रोन्स अभी अलाउड नहीं है इस चीज़ के लिए, इसलिए ड्रोन तो सीधा वो कॉन्फिस्केट हो जाते हैं, तो वो तो जब्त हो जाते हैं। बाकी जैसे आपने फ़ोन मंगाया तो उस पर रेट के हिसाब से आप कस्टम ड्यूटी की साइट पर जाइए,
वहाँ पर हर एक प्रोडक्ट का बताया हुआ कितना परसेंट आपको कस्टम ड्यूटी देनी है, तो उस हिसाब से आपको देनी पड़ेगी। सुमन रॉय, योर वीडियोज आर नाइस एंड ऑलवेज वॉच देम, बट एज ए पर्सन वॉचिंग योर ड्रोन इट्स ऑल्सो माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लेट यू नो अबाउट एनी सजेशन। ही इज गिविंग वन सजेशन, और उनका सजेशन था कि एक स्पेलिंग मिस्टेक हो गया था मेरे से टाइटल में, तो थैंक यू वेरी मच मिस्टर सुमन रॉय, ऐसे सजेशन को मैं वेलकम करता हूँ और आपने मुझे बताया, आगे से मैं ध्यान रखूँ। कई बार जल्दी जल्दी मेरे टाइपिंग में एरर हो जाता है, तो सॉरी फॉर दैट एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल सजेशन, थैंक यू। विवान जी पूछ रहे हैं, सर हाउ अबाउट डीजे स्पीकर, कैन वी बाय फ्रॉम अमेजोन डीजे स्टोर एंड रजिस्टर अंडर डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म। रजिस्टर तो जरूर कर पाएंगे इन फ्यूचर, और बाय करना तो अमेजोन इज द सेफेस्ट, मैं पहले बता चुका हूँ। पवन विनय कुमार जी कह रहे हैं, हेलो सर, मेरा मैविक एयर ड्रोन पानी क्रैश हो गया था, उससे कुछ नहीं हुआ, उसके बाद में कोई प्रॉब्लम हो सकता है क्या, उसे सेफ रखने के लिए क्या करें? ये मैंने आपको बता दिया था कि अगर आप पानी में गिर गया और फिर से ठीक है, तो एक बार उसको चला के खुले ग्राउंड में या कम हाइट पे चला के देखें, ताकि अगर गिरे भी तो आपको ड्रोन को नुकसान ना हो और किसी और को नुकसान ना हो, क्योंकि खुला मैदान होगा, ग्राउंड होगा, वहाँ पर कोई हो ना, वहाँ पर आप पूरी फ्लाइट लें इसकी, जितना भी आपको फ्लाइट टाइम देता है, और फिर उसको चेक करें, अपने कमांड्स को चेक करें, ऊपर हल्का सा ऊपर नीचे दाएँ बाएँ सारा घुमा के देखें कि किसी चीज़ में प्रॉब्लम, होवर करा के देखें, होवर स्टेबल वहाँ पर रहता है कि नहीं, ये सब कुछ आप करके टेस्ट करके देखें लो हाइट पर, तो अगर कुछ नहीं होता तो आपका ड्रोन ऑलरेडी सेफ है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और पानी के ऊपर मत उड़ाएं, क्योंकि पानी के ऊपर उड़ने से कवर क्या होता है, पानी के हमारे इसके नीचे सेंसर लगे होते हैं मैविक एयर के बीच में, तो पानी की वजह से लाइट अगर कम हो या ऐसा कोई चक्कर हो तो बैकग्राउंड वो पानी हिलता रहता है, तो ये समझ नहीं पाता और कई बार एटी मोड में चला जाता है, जिसमें GPS इसका चला जाता है, गायब हो जाता है, तो तब गिरने के आसार ज़्यादा होते हैं, तो हमेशा पानी को अवॉइड करें फॉर फुल सेफ्टी। डॉक्टर, मुझे 5,000 में ड्रोन मिलेगा क्या? 5,000 में अभी नहीं मिल सकता ब्रदर, 5,000 में तो डीजे का कोई ड्रोन नहीं मिलेगा। अगर आपने ड्रोन लेना ही है तो आप कोई सस्ता सा ले लें, जो टॉय ड्रोन होगा वो आपको इस रेंज में मिलेगा, टैलो भी 5,000 का नहीं मिलता इंडिया में। एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया है मिस्टर AJ परीका, हेलो सर, मेरा ड्रोन को उड़ाते समय अचानक से बैटरी 0% पर आ गई और मोबाइल में नोटिफिकेशन दिखाया कि बैटरी सेल में भी डैमेज, प्लीज़ रिप्लेस द बैटरी, ये क्या प्रॉब्लम है, क्या ये बैटरी सही हो सकती है और इसका रीज़न क्या है, प्लीज़ हेल्प मी। सर ये देखिए, ये बैटरी मैनेजमेंट पे आपने मेरा लगता है वीडियो देखा नहीं मिस्टर परीक, मैंने पहले बनाए हैं वीडियोस की बैटरी को कैसे मेंटेन रखें DJI की, तो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता सकता हूँ कि जैसे ये 0% आपको बैटरी बता रहा है, तो ये तभी हुई है कि आपने मेरे ख्याल जब भी ड्रोन उड़ाया तो पूरा बैटरी को चूस के नीचे उतारा है, मतलब 3-4% रह गई तब उतारा, जबकि वार्निंग आती है 40% पे 30% पे वार्निंग आ जाती है, तब ड्रोन की बैटरी, ड्रोन को उतार लेना चाहिए बैटरी की लंबी लाइफ के लिए। अगर आप ये नहीं करते रहे हैं तो यही कारण है आपकी बैटरी जल्दी ख़राब हो गई, और ये जो दिखा रहा है इंडिकेशन, तो इसका मतलब यही है कि आपकी बैटरी ख़राब हो चुकी है, उसको रिप्लेस कर लीजिए फॉर द सेफ्टी ऑफ योर ड्रोन एंड फॉर द सेफ्टी ऑफ अदर्स, अदरवाइज गिर भी जाएगा, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, सो प्लीज़ रिप्लेस कर ले बैटरी। तो ये थे क्वेश्चन आंसर सेशंस, तो ऐसा कोई भी आपका सवाल क्वेश्चन रिगार्डिंग ड्रोन आपके मन में हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, और ऐसे में जब इकट्ठे हो जाते हैं क्वेश्चंस तो उन पर या तो वीडियो बन जाता हूँ जो ज़्यादा डिमांड में हो, नहीं तो मैं आपका ऐसे आंसर ज़रूर करता हूँ। तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो, शेयर कर दीजिए, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, और जो भी क्वेश्चन मुझे सबसे अच्छा लगता है उसको मैं टाइटल में डालता हूँ, ताकि आपका ध्यान वीडियो की तरफ आए और आप पूरा वीडियो देखें। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर, सेइंग बाय, ड्रोन टेक डॉक्टर से बाय बाय, जय माता दी।